भाभी जी, आप बंगाली समन्वय बुद्ध जीवी प्रकोष्ठ के उत्तरी पश्चिमी जिला अध्यक्ष हैं और आपके पास पर्यावरण सुरक्षा संस्थान के भी प्रदेश महामंत्री हैं। आपका चर्चा जिस तरीके से समाज सेवक में देखा जा रहा है, आपसे मीडिया जानना चाहती है, देश भी जानना चाहता है, दिल्ली भी जानना चाहती है, क्या है? जी, मैं कहना चाहूँगी कि मैं देशवासियों के लिए बहुत काम बहुत पहले से करती थी और बहुत तरीके से काफ़ी जगहों में काम कर चुकी हूँ, जिसके बारे में मुझे कई जगहों से ऑफ़र मिलती है कि मेरे साथ काम करिए और आप अच्छा काम करती है। जिस तरह से देखते हुए मुझे जब मैं यहाँ पर बादली विधानसभा पे आई तो मुझे उस दौरान इस बुद्धिजीवी पे और यहाँ से उत्तरी पश्चिमी जिला की अध्यक्ष तैनात की गई, तो उसके बाद मैं अपने यहाँ की सोशल एक्टिविटी करती हूँ और मुझे सोशल एक्टिविटी करते हुए बहुत अच्छा लगता है। गरीबों को देखभाल करते हुए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं करती रहती हूँ और मुझे इसमें कोई संख्या नज़र नहीं आता, कोई डाउट नहीं नज़र आता। मैं निष्पक्ष अपने दिल और अपने दिमाग और अपने हर तरीके से उनकी सोच से संतुष्टि पहुंचाने की। बहन जी, आप ममता दीदी की धरती से आती हैं और दिल्ली में बसती हैं, अरविंद केजरीवाल की एरिया है, तो आपको अपने क्षेत्र में सेवा करते समय कोई तकलीफ नजर आई क्या? जी, मेरे को बहुत सारी तकलीफें हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के MLA काफ़ी सारे हैं, उन MLO के नीचे काफ़ी सारे चीज़ें आती है जो अपने एरिए के अंदर वो निःशुल्क इस काम को देख रेख नहीं कर पाते हैं अपने एरिए के अंदर। इन्होंने युवा की, ख़ास तौर पे मैंने जो देखा है वो युवा की देखा है, युवा की इन्हें दुर्गति कर रखी है, किसी ने स्मैक लेना और इस तरह से काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो लेते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं। और यहाँ के पुलिस सेवाएँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है, जो लेडीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मिल पाती। ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के एरिया के अंदर यानी दिल्ली में, और जहाँ मोदी सरकार भी है और महिलाओं का सम्मान नहीं, जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने वाली सरकारें हैं, तो बहुत बड़ी बात है। क्या कुछ चीज़ बताएंगे मोदी जी के बारे में? जी, मैं मोदी जी के बारे में कहूँ, इस प्रोग्राम के चलते हुए हर जगह पे मोदी जी ने इस बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का करा था, लेकिन जब से CM अरविंद केजरीवाल जी आए हैं उसके तहत मैंने भी कई मीटिंगें अटेंड करी हैं इन लोगों की, तो यहाँ पर लेडीज़ों का कोई इज्जत नहीं दे पा रहे हैं और लेडीज़ें इस टाइम सुरक्षित भी नज़र नहीं आ रही हैं, ना कि युवा भी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जिसके लिए मैं अरविंद केजरीवाल को कहना चाहूँगी कि ये तो यहाँ पे CM बन के बैठे हैं, लेकिन इनके नीचे जो MLAs हैं उन MLA के एरिए को आके देखे, उस एरिए की परिस्थिति क्या है, और उस टाइम उन MLA से पूछे कि उनके जो देश है किस जगह पर जा रहा है। भाभी जी, आपके कार्यालय के बगल में प्लॉटिंग हो रही है जो देखने में अनथराइज महसूस हो रहा है, क्या आपने कभी संपर्क साधा, इनके बारे में कुछ जानकारी? जी, मेरे एरिया में जो एक प्लॉट है वो 2.5 किले जमीन की और उसके साथ में एक जमीन खाली पड़ी है जो करीबन 3 किले की आसपास है, तो टोटल मिला के 5.5 से 6 किले ज़मीन के अंदर है। मुझे यहाँ के आम जनता ने रास्ता खोलने के लिए एक एप्लीकेशन की थी, जिस एप्लीकेशन के तहत मैंने अपने राजेश यादव को, जो बादली विधानसभा की MLA है, उनको दिया और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप इस रास्ते को इस पार्क के ऊपर से जाने दें, लेकिन उस टाइम तक मुझे ये पता नहीं था कि ये पार्क है। और जब मैंने इस पे रिसर्च किया, काफ़ी हाईफाई रिसर्च किया, ऊपर तक जब मैं पहुंची तो मुझे पता चलता है कि ये DDA की पोर्टल पर ये पार्क शो कर रहा है, जिसके बारे में मैंने सब लोगों से बातचीत की, आम लोगों से, आम जनता से बातचीत की। आम जनता डर के मारे इनसे बात करना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे एक दो हादसाएँ काफ़ी हो चुकी है, क्योंकि छोटे छोटे प्लॉट जैसे 50 गज जैसे 100 गज की प्लॉट के हिसाब से एक दो मर्डर पहले हो चुका है, जिसके बारे में जनता जानती है लेकिन आवाज़ नहीं उठा पाती। बट मैंने उनको ये पूछा था कि DDA की पोर्टल पर अगर ये पार्क नज़र आ रहा है तो आपने अभी तक इसकी NOC क्यों नहीं ली, आपने पैसा खर्च किया, मुझे इससे कोई दर्द नहीं, आपने खरीदा आपका सामान है, बेच सकते हो, लेकिन मुझे तो NOC चाहिए, जिसके बारे में मेरा फर्ज बनता है, मैं आम इंसान हूँ, मेरे को फ़र्ज बनता है और मैं इस विधानसभा की भी प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरे उन्होंने सारी बातें इग्नोर कर दी और कहते हैं जी मैं तो दिखा नहीं सकता और मेरे पास जो कुछ है वो ये है, बाकी प्रॉपर्टी के अगर जो भी बंदा आएगा उस प्रॉपर्टी के अंदर, मतलब मैं काम हमेशा चलाऊंगा और करता रहूंगा, इस तरीके से बातचीत चली है। मतलब आपको क्या लगता है कि आपको समाज सेवा में ऐसे लोगों से भी मुलाकात होती है जो धूर्त तबके के लोग हैं, जो बेईमान तबके के लोग हैं, जो अवैध काम करते हैं, उनसे भी टकराहट हो जाती है? जी,
ये लोग काफ़ी मुसीबतों का सामना मुझे करना पड़ता है क्योंकि आम जनता इनकी फेस टू फेस नहीं करते, चाहे वो गुंडे हो, चाहे वो दिल्ली के किसी बहुत हस्ती आम आदमी हो या बड़े बड़े नेताएँ हों, सामना तो मुझे करना पड़ता है। उस सामना करने के बाद ही मुझे कामयाबी हासिल होती है। तो कई लोग हैं कि मेरे बीच में भी आते हैं इन सोशल वर्क को करते हुए, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे रास्ते में रुकावट ना बने और इन जनता को बिल्कुल आराम से रहने दे और उसके लिए जो भी सुविधाएं हैं वो अपने तरीके से करते रहे। मैं इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बॉबी जी के साथ हैं, ये एक लेडी शेरनी है जो हम हर वक्त जनता की सेवा में लगी हुई हैं। आप इनके साथ क्या इनके बारे में इनके सारा बात बिल्कुल सहमत है। मैं इनके साथ बिल्कुल जोड़ के इनके साथ काम करने में बिल्कुल एक्टिविटी हूँ। फिर मैं दिल्ली से छोटा 7 साल से मैंने आरएसएस संघ में आया था, संघ से मैंने बीजेपी में जुड़ा हूँ, बीजेपी उपाध्यक्ष हूँ प्रदेश में। मैं फुल कार्यकर्ता करता हूँ, मैं इनकी बात पर बिल्कुल एक्टिविटी हूँ, बिल्कुल आगे जाना भी तैयार हूँ, मैं इनका साथ रह के करना भी बिल्कुल एक्टिविटी में। जी बहन जी क्या कहेंगे? हाँ जी सर, मैं इनके साथ सहमत हूँ, इनके हर काम में मैं आगे इनके साथ साथ है, मरने के तक तो हम आगे बढ़ेंगे इनके साथ, कोई भी किसी भी टकराने में हम आगे हैं किसी के साथ। मेरा आपसे सवाल है कि बाबी जी जो समाज सेवक हैं इस एरिया के अंदर, उनके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? मैं इनके हर बंदे के साथ इसकी लगाव हर चीज मैं तो इतना पसंद करके मैं इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये लोगों को सेवा करता है, लोगों को मदद करने में भी आगे हैं, इनकी दिल इतना अच्छा है, लोग इनको समझ ले, इनके साथ रहे, हम उनके साथ है, जनताओं का हक दिलाने के लिए हम आगे हैं। लाइक शेयर एंड कमेंट। To subscribe this channel, please press the bell icon.